गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज फिर से हम लोग बहुत बीच में जो है सो वीडियो नहीं बन पाया है ना, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी था, कुछ काम भी था हमारा ऐसा, कि हम वीडियो नहीं बना पाए बीच में। इसके लिए हमें बड़ा दुख है, लेकिन आज से हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं वीडियो बनाने का। और आज हम लोग डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन बच चुका है, जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हमको पढ़ाना था, तो आज हम उस सभी के भरपाई के लिए तीन वीडियो बना देंगे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, रॉल्स थ्योरम और लैग्रैन्जियंस थ्योरम। ये तीनों चीज़ आज आपको हम क्लियर कर देंगे, ताकि उतना दिन का जो गैपिंग था वो सारा गैपिंग आपका पूरा हो जाएगा। तो चलते हैं और देखते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको किसी समस्या हो चाहे कुछ भी हो तो इस नंबर पे संपर्क करें, 7677194582 पे, या 7870975155 पे। इस नंबर पे संपर्क करेंगे, हम आपका सहायता निश्चित करेंगे, और अगर थोड़ा मोड़ा लेट भी हो जाएगा तो निश्चित आपको एक आध दो दिन में आपको जो समस्या होगा उस समस्या को रखिएगा, आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सेकेंड ऑर्डर का क्या मतलब होता है उसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। सेकेंड ऑर्डर का मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन को लगातार दो बार डिफरेंशिएट करना मेन फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो कहने का मतलब, इसलिए मैंने डिफिनेशन लिखा है कि द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इज डिफाइंड एज डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन एट टू टाइम्स। मतलब उस फंक्शन को आप दो बार क्या करो, डिफरेंशिएट करो, सिंपल। तो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज कि अगर आप फंक्शन को, हम जानते हैं कि y किसके बराबर होता है, fx के बराबर, दैट इज y इज इक्वल टू क्या है, fx। इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कीजिएगा तो क्या लिखेगा, dy by dx, और dy by dx को क्या लिखते हैं, f dash x। इसी को डिफरेंशिएट करेंगे फिर x के रिस्पेक्ट में तो लिखेंगे d2y by dx square, और यह किसके बराबर हो रहा है, f double dash x के बराबर। तो इसको मैंने एक रूपरेखा तैयार किया जिसको मैंने लिखा, यू कैन से अनदर वर्ड, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इज डिनोटेड बाय d2y by dx square, f double dash x, y2 and y double dash। मतलब कहीं पे ये निकालने के लिए पूछे, 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 ये सबका मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ये लिखने का स्टाइल है, ये सेकेंड ऑर्डर का जो स्टाइल है वो इस स्टाइल में आपसे लिखा जाता है। तो कहने का मतलब कि मान लीजिए कि कहीं d2y by dx square पूछे तब भी डिफरेंशिएशन दो बार करेंगे, f double dash x पूछे तब भी दो बार डिफरेंशिएट करो, y2 पूछे तब भी दो बार डिफरेंशिएट करो, y double dash पूछे तब भी दो बार डिफरेंशिएट करो। यानी इसमें से कोई भी एक वर्ड आपसे पूछ दे तो इसका मतलब आपको समझना है कि उस फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर 10 तो फाइंड करना है d2y by dx square। इसी को आपको यहाँ ये न लिख के आपका y double dash लिख देता तब भी हम यही निकालते, यही न लिख के आपका y2 लिख देता तब भी यही निकालते, और यही न लिख के f double dash x लिख देता तब भी हम वही निकालते। मतलब ये कोई भी रूपरेखा में आपको ये प्रश्न को पूछा जा सकता है, तो ऐसा रहेगा तो हम उसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे में क्या है, x, मतलब x के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर x टू दी पावर 2 है, मतलब एक बार x के रिस्पेक्ट में करो और फिर x के रिस्पेक्ट में करो। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू x टू दी पावर 10 एग्जांपल लिया हुआ था, तो मैंने लिख दिया कि y इज इक्वल टू x टू दी पावर 10 और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx, और हम जानते हैं कि पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते, देखिए 10 में 1 से मल्टीप्लाई किया 10 हो जाएगा, जितना पावर होता उसमें से 1 घटा देते हैं तो 9 हो जाएगा, तो क्या हो गया 10x to the power 9 हो गया। अब यहाँ तो एक बार कर दिए, एक बार किए, यहाँ पर देखिए पावर कितना है 1, तो इसका मतलब हुआ एक बार, और इसी पर पावर 2 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा दो बार, तो इस पर पावर कितना है 2 है, इसका मतलब दो बार करना है। तो फिर लिखा मैंने अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y by dx square, और इस बार कीजिए यहाँ पर फिर कितना है पावर 9, और यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 10, 10 में 9 से गुणा कीजिएगा कितना हो जाएगा 90, और जितना पावर उसमें से घटा देते हैं, और ये आपका हो गया सेकेंड बार डिफरेंशिएशन। मतलब यही आपका 90x to the power 8 जो हुआ वह x to the power
10 का डबल डिफरेंशिएशन हुआ, यानी सेकेंड ऑर्डर हो गया। इसी तरीके से आपका साइन हो जाएगा, कॉस में भी हो सकता है, टैन में भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, तो इसके लिए चिंता हमको नहीं करना है। अब मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल दिया, ध्यान दीजिए, अगर दूसरा एग्जाम्पल आप लिखते हो कि अगर लिखते हो कि इफ वाई इजिकल टू साइन के एक्स, फाइंड करने के लिए आपको कहता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि यही पूछे, आपको ये चारों स्टाइल में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ऐसा पूछ लिया तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, तो लिखिएगा कॉस, एंगल कितना है के एक्स। हम बताए थे कि जब के रहता है चेन रूल में तो इस के एक्स का भी डिफरेंशिएशन होता है, तो के एक्स का एंगल कितना होगा के, इसीलिए गुना कर दीजिए आप इसमें के से। अब यहां पर इसको क्या बन गया है के कॉस के एक्स, तो ये तो एक बार हुआ, हमको निकालना है पावर दो है तो दो बार, अगर यहीं पर पावर तीन होता तो करते इसको तीन बार, पावर चार होता तो कितने बार करते चार बार, लेकिन यहां पर दो ही है तो एक बार और लिख दीजिए अगेन, ये नहीं लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू, अब देखिए फिर तो ये कॉस का डिफरेंस कितना होगा माइनस साइन, तो ये तो के रहेगा लेकिन माइनस साइन के एक्स कर दीजिए, और यहां पर के एक्स का डिफरेंस फिर से क्या हो जाएगा के, तो अब कितना हो गया ये माइनस ये प्लस, तो कितना हो जाएगा माइनस ये के तो कितना हो जाएगा के स्क्वायर, तो माइनस के स्क्वायर साइन के एक्स हो जाएगा। अब बताइए क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। इसी तरीके से आपका जो भी क्वेश्चन होगा, हम और एग्जांपल देके आपको दिखाते हैं, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि इफ वाई इजिकल टू, यहां पे हम लिख देते हैं ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, फाइंड करने के लिए कहता है वाई टू, इस स्टाइल में देख लेते हैं आप लोग वाई टू, तो क्या कीजिएगा लिखिएगा वाई वन, वाई वन मतलब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वन एक्स, तो वन कर दिए तो यहां पर एक्स स्क्वायर का डिग्री कितना हो जाएगा टू एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल है इसलिए। अब इसका वाई टू निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, अब यहां पर यू इंटू भी काम करने लगेगा, टू एक्स को बाहर करेंगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा टू एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स का डिफरेंशिएशन, और इसी को आप एंसर लिख दीजिए या थोड़ा सा कॉमन वॉमन ले लीजिएगा तो ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए टू है, यहाँ पे टू है, यहाँ ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, तो टू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लीजिएगा तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, यानी कि टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो आप पहले पढ़े हो वही चीज रहेगा, लेकिन उसको दो बार करना है, मतलब एक बार फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए फिर से दूसरे बार कर दीजिए। और एग्जांपल आप देख सकते हैं इफ वाई इजिकल टू, यहां पे हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स, और फाइंड करने के लिए कहते हैं वाई डबल डैश, तो क्या लिखेंगे कि सिंस वाई इजिकल टू साइन स्क्वायर एक्स हेंस वाई डैश इजिकल टू कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन के लिए कितना कीजिएगा, ये दो पावर है तो टू साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो कितना हो गया या टू साइन एक्स इन टू कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है साइन टू एक्स, तो लिख दीजिए यहाँ पे साइन टू एक्स हो गया। अब इसका तो एक के बार ना हुआ, अब डैश करिएगा डबल बार तभी तो सेकेंड ऑर्डर होगा, तो सब बार कीजिए, अब साइन का कितना होता है कॉस होता है तो लिखिए कॉस टू एक्स, और टू एक्स का क्या होता है टू, तो लिख दीजिए टू कॉस टू एक्स, और ये आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर हमको मान लीजिए इफ हम लेते हैं वाई इजिकल टू सेक एक्स, सेक एक्स इसको फाइंड करना है वाई टू, तो यह वाई वन इजिकल टू कितना होगा उसको देख लीजिए, सेक एक्स का क्या लिखिएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये हो गया वाई वन।
अब यहाँ पर देखिए y1 की है तो u into v पे रुक दिया, इसीलिए y2 निकालेंगे तो इसका u into v फॉर्म रहेगा। तो sec x को बाहर कीजिए और tan x का डिफरेंशिएशन हो गया, sec square plus tan x को बाहर कीजिए और sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x। अब बताइए इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, sec cube x plus यहाँ पर sec x into tan square एक्स और ये आंसर। तो ये बहुत सारा है, मतलब दो बार आप क्या देख रहे हैं, हर क्वेश्चन को दो बार हम डिफरेंशिएट कर, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा बात ये है ही नहीं। आप फंक्शन को, जो फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिएगा, जो डिफरेंशिएट करके आएगा पुनः हुआ फंक्शन बन जाएगा और उसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा और ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका एक एक्सरसाइज जो है सो कंप्लीट हो गया और वो हो गया सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो इसको आप लोग पूरे मेहनत से मन से बनाइएगा, है ना, ताकि जो है से आपको काफ़ी इसमें दिलचस्पी होगा और इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज यही था, फिर हम आपको रॉस थ्योरम और लैग्रैंज थ्योरम के बारे में बताते हैं तुरंत।